हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज पढ़ने वाले हम क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर और उसकी लिमिटेशंस, क्यों आया आपके सिलेबस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। समझ गए होगे, क्लास 12 की फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं हम, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हमने आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको बता दी थी, ठीक है। होपफुली आपको सब याद होगा, ठीक है। सो क्या पढ़ने वाले थे, हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो नाम से ही दिख रहा है आपको कि ऐसा कैपेसिटर जिसका मतलब जो डाइमेंशन हो या जो बनावट हो वो कैसी हो, स्फेरिकल हो, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके का एक हम लेंगे हॉलो स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल लेंगे और इस पर क्या करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज Q देंगे, ठीक है, प्लस Q का चार्ज इस पर देंगे हम, ठीक है। इस होलो स्फीयर पे कितना हमने चार्ज दे दिया, होलो कंडक्टिंग होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस इट्स अ कंडक्टिंग मटेरियल, हाँ ठीक है। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल पे हम कितना चार्ज दे रहे हैं, तो वी आर गिविंग द चार्ज ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज दे रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको, ठीक है। अच्छा, तो उस समय अगर मैं देखूँ तो अच्छा, सबसे पहली बात होगी कि सर आपने ये स्फेरिकल कैपेसिटर को चार्ज कैसे दे दिया। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा है कि अपना कार्यक्रम कहाँ चलता है, इन्फिनिटीज चलता है, तो इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आए, सब यहाँ उठा उठा के इन्फिनिटीज चार्ज लाएँ, तो इन्फिनिटी पे अगर पॉजिटिव चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनना चाहिए। तो ऐसा समझो कि एक गोला कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे एक गोला है जिस पे जितना यहाँ प्लस क्यू चार्ज है उतने यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। देखो ये बात यहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाँ ठीक है, आपके कैमरे में ये बात नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने बोला, क्या बोला आपसे, कि इन्फिनिटी से हम ऐसे चार्ज करके लाएंगे और सब पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। और तरीका क्या था कि इस कैपेसिटर को, स्फेरिकल कैपेसिटर को क्या कर देंगे हम, एक बैटरी से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जितने एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, सब घूम घूम के आएगा, इधर आपको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा, एक बॉल ऐसा होगा जो इसके बगल में जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से या ऐसा समझो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर कैसे चार्ज आते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे और यहाँ पर निगेटिव आते जाएंगे। दो दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, मतलब ये वाला सबसे बेस्ट है कि इन्फिनिटी से हम चार्ज को उठा उठा के लाएंगे तो एक स्फेरिकल जैसा यहाँ पर है वैसा ही सेम यहाँ पर बन जाएगा, आइडेंटिकल, ठीक है। सबसे पहली बात, अब भूल जाओ उस कहानी को, कैपेसिटेंस बताना है आपको, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि कैपेसिटेंस और डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो इस केस में, स्फेरिकल सेल के केस में मैंने बताया था, अगर ये सेंटर ओ हो और ये रेडियस आर हो तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी सरफेस पे कहीं पोटेंशियल निकालें, कहीं भी निकालें, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, यानी कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स डिवाइडेड बाई आर, ये बात आपको पता है, ठीक है। रिंग में भी मैंने बताया था कि जब ये बहुत दूर से देखेंगे इस फिनोमेना को तो पोटेंशियल सब क्या लगेगा, पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज जैसा आएगा, उसी को यूज किया। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई, क्यू डिवाइडेड बाई वी, और वी की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, के क्यू बाई आर, ठीक है। क्यू से क्यू मर गया, आंसर क्या हो गया, सी इज इक्वल टू आर बाई के, और 1 बाई के की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसकी कैपेसिटेंस होती है, स्फेरिकल कैपेसिटर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खास बात, मैंने बोला था क्या कैपेसिटेंस सी क्यू पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। आप बोलोगे नहीं सर, वो तो कैपेसिटेंस जो बन गया उस पर ठप्पा लगा के आता है, कैपेसिटर बन गया तो हम बोल देते हैं इतने कैपेसिटेंस का इसका कैपेसिटर है, ठीक है। तो क्या ये क्यू पे डिपेंड करता है, आप बोलोगे नो सर। क्या पोटेंशियल भी डिपेंड करता है, नहीं। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, सी इज डिपेंडेंट ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए डाइमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर, सबसे पहला पॉइंट, डाइमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। दूसरा क्या हो रहा है,
डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर मतलब यहाँ पर आ रहा है, जितना बड़ा कैपेसिटर ले गए स्फेरिकल उतना ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, बाउंड करेगा। क्यों? क्योंकि सी बताती है कि एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या बताती है कि कितना वो चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है आपका कि डिपेंड्स ऑन द मीडियम। क्यों मैंने ये बात बोली, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी उस मीडियम पे कि हवा में रखें आप उस पर स्फेरिकल कैपेसिटर को, कि अल्कोहल में रखे हैं, कि बेंजीन में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, लिक्विड में रखे हो, वैक्यूम में है, कहाँ है, तो उस पर कैपेसिटी डिपेंड कर रही है। यानी आपको ये बात प्रूफ हो गया इस डेरिवेशन से कि ना तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्यू पे डिपेंड करती है यानी चार्ज पे, ना तो वी पे, वो डिपेंड करती है कहाँ, एप्सिलॉन नॉट आर आर पे, ठीक है। ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब मैं आपको बताऊंगा डीमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या बताऊंगा डीमेरिट्स क्या क्या है इसके। तो सबसे पहली बात, इसको एक सवाल से समझाता हूं मैं। मान लो कि एक फेरेट का आपको चार्ज चाहिए, एक फेरेट की कैपेसिटेंस चाहिए, तो उसके लिए कितने बड़े रेडियस की आवश्यकता होगी ये देखिएगा कैपेसिटर की। तो फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 1/9 इंटू 10^-9, और r की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा r तो हमें निकालना है, और यहाँ पर क्या चाहिए 1 फेरेड। थोड़ा सा इसको यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं, आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि हो गया 9 × 10^9 मीटर की रेडियस का एक सर्किल चाहिए, तो एक कैपेसिटेंस का, 1 कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटर बनेगा, यानी एक फेरेड का। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है क्या, फेरेड, फेरेड, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, माइक्रो फेरेड, पीको फेरेड, नैनो फेरेड, नैनो फेरेड मतलब 10^-9, पीको फेरेड मतलब 10^-12, माइक्रो मतलब 10^-6, और मिली मतलब 10^-3। तो देखो कितना बड़ा रेडियस, 9 × 10^9, तुम्हारे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, देखो ना इस चीज को, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बोलो मेरे को, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 × 10^6 मीटर, यानी तुम्हें अर्थ से भी बड़ा एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा एक फेरेट को चार्ज को स्टोर करने में। क्या फ़ायदा हुआ है ऐसे घटिया डिवाइस बनाने का, इसको कर देंगे हम लोग इग्नोर, किसी नए डिवाइस को बनाएंगे। दूसरा डिमेरिट्स क्या है इसका, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, देखो इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, यहाँ से निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई और छोर है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अनबाउंडेड है, बाउंड नहीं है कोई दो चीज़। यहीं पर बोला ये वाला क्या रहता, बगल में रहता तो बाउंड हो जाता, तो तुम कहोगे सर इसको बगल में कर दीजिए, ये है लेक्चर में, थोड़ा सा है बाद बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा डिमेरिट क्या रहा, डिमेरिट पहला था कि बहुत बड़े रेडियस की जरूरत पड़ रही थी हमको, और दूसरी डिमेरिट क्या है कि अनबाउंडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि हमको क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो, बाउंडेड हो, अनबाउंडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये बात हो गई कि क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो ये पूरा ओवरव्यू था स्फेरिकल कैपेसिटर का और इसके डिमेरिट्स से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। थैंक यू।